कैसा पर्दा किए बैठे हो ओ रे जालिम कहाँ रहते हो कैसा पर्दा किए बैठे हो दीदार को हुआ अरसा और देखना मैं तरसा कब मेरे तुम कहलाओगे अब तो सावन भी बरसा उजाला इधर देख कहीं उन लड़कों के अलावा कोई और बात तो नहीं है ना बेटा जो कुछ हो चुका है इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है I totally disagree, Dad. पर मिनहाज अंकल से इतनी बड़ी रकम मैं आपको लेने भी नहीं दूंगा देख रजा तू सिर्फ फारिया तक महदूद रहे बाकी ये मेरा मैटर है देख मैं करता क्या हूँ यूं इस तरह अकेले तुम इतना बड़ा दुख कब तक सहती रहोगी यकीन करो उजाला अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना उस एंगेजमेंट पर तो वो इज्जत करती ना सबकी याद रखते हाँ भाई चंगेज जी कौन कौन सी सोसाइटी देखी तूने भाई यहाँ की तमाम सोसाइटियों में ढूंढ लिया उसे काशिफ का कहीं पता नहीं चला कैसा पर्दा किए बैठे हो बस बहन सिलाई की तरफ से तो तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा ना मिले तो अच्छा है देखो बहन साफ बात ये कि हम दर्जनों से कपड़े सिलवाने के आदि तो हैं सच कहूँ तो मुंह को नहीं लगते हमारे वो तो तुमने इतना कहा तो तुम्हारी परेशानी देख के चली आई बेफिक्र हो जाओ बहन मैं तुम्हारा भरोसा खराब नहीं करूंगी बहुत अच्छे कपड़े सी के दूंगी वो अगर पैसे जरा पहले मिल जाए एडवांस नहीं मांगना पैसे नहीं दूंगी मैं अगर तुम सिलाई अच्छी करोगे तो फिर पैसे देने का सोचूंगी वो दरअसल मेरी जरूरत ऐसी है कि मुझे फौरी पैसे चाहिए हाँ एक काम कर सकती हूँ मैं अगर तुम कल शाम तक मेरे सारे कपड़े किसी बगैर नुक्स के सी दो तो हाथ के हाथ पैसे दे ठीक है तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कल शाम को 5 बजे आ जाना मैं कपड़े तैयार रखूंगी सीकर ठीक है अल्लाह फिर सिलाई करना क्यों शुरू कर दी मैंने आपसे कहा था ना मैं खुद जॉब ढूंढूंगी एग्जाम्स के बाद आप ये काम क्यों कर रही उजाला बिजली और गैस का बिल पिछले 2 महीने से नहीं भरा हमने इस दफा तो वो काट ही देंगे और घर में राशन भी तकरीबन खत्म ही हो चुका है पता है मालिक मकान भी रोज चक्कर लगाता है किराए के लिए मैं अपने दुख में आपके घर की परेशानी भी भूल गई अरे वाह ये सारे के सारे तो मेरे कल रेशम गली चल कर ना खूब सारी शॉपिंग करके आएंगे ठीक है कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं होगी पहले ही पैसे कम पड़ रहे कम पड़ रहे किस काम में कम पड़ रहे किराए का घर लेना है उसके एडवांस के लिए पैसे चाहिए हम पहले ही बहुत सारे पैसे उड़ा चुके हैं उड़ा चुके हैं तुम्हारे जेवरात की मालियत कितनी होगी सोच रहा हूँ उसे बेच देते जी नहीं मैं अपना जेवर नहीं दूंगी आपको और क्या जरूरत है किराए का घर ढूंढने की इतने बड़े अच्छे आलीशान बंगले में रह रहे हैं हम सुकून से देखो सवेरा यहाँ हम मजबूरी में रह रहे हैं मेरा बस चले तो मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चला जाऊँ क्यों आखिर ऐसा भी क्या हो गया सवेरा कुछ बातों की तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है तुम अकेली होती हो और वो पीछे से आ जाता है हाँ तो उनका घर है भाई जब मर्जी आए यहाँ आएंगे उन्हें यहाँ आने के लिए हमसे इजाजत थोड़ी चाहिए होगी कि इस वक्त आए और इस वक्त ना आए अपना इंतजाम तो कर सकता हूँ ना मैं सो वही कर रहा हूँ अल्लाह अम्मी मैं जरा फारिया के घर जा रही हूँ मुझे कुछ काम है हाँ बेटा जरूर चली जा दिल भी बहल जाएगा तेरा दिल बहलने को अब रहा ही क्या है
अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। अभी तूने देखा ही क्या है, अभी तो उम्र पड़ी है तेरी। मोहसिन के साथ बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारेगी तू। अम्मी आप प्लीज ये बातें करना छोड़ दें। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, भैया की तरह अयाश या फिर धोखेबाज। नहीं उजाला, काशिफ की वजह से तू अपने शोहर से क्यों बदगुमान होती है? अम्मी जरूरी तो नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही सब हो। मुझे लगता है हमें किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अल्लाह हाफिज़। कितनी मुश्किल बना दी है काशिफ तूने हम सब की जिंदगी। यार उजाला तुम बहुत टेंशन लेती हो, अंदर आओ पहले। मैं सिर्फ कुछ बात करने के लिए आई हूँ, फिर मैं चली जाऊँ। अरे बाबा बात कर लेंगे, तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, पहले हम कुछ खाएंगे। अब नजीरा, नजीरा। जी आई। नजीरा एक काम करो, मेरे ना कमरे में दो चाय भिजवा दो। और क्या खाओगी? कुछ भी नहीं लूंगी, मुझे भूख नहीं है। उजाला तुम तो ना बहुत फॉर्मल हो रही हो। पिज्जा ऑर्डर कर दो हमारे लिए, ठीक है? अच्छा सुनो, और मेरे कमरे से ना मेरी एंगेजमेंट की एल्बम भिजवाओ। चलो ठीक है जी, चल आ जाओ। तुम बिल्कुल कंफर्टेबल हो, बैठो यहाँ, बैठो बैठो। सॉरी मैं जानती हूँ कि मेरा कमरा बहुत गंदा हो रहा है, मुझे थोड़ी अंदाजा था कि तुम ऐसे आ जाओगी। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारे इतने खूबसूरत चेहरे पे इतनी उलझन क्यों है? फारिया तुम रजा को बहुत ज्यादा चाहती हो ना? ऑफ कोर्स मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम अचानक से रजा के बारे में क्यों पूछ रही हो? तुम उसके बारे में कितना जानती हो? उजाला मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम रजा के बारे में इतना से सवाल क्यों कर रही हो मुझसे? फारिया अगर मैं तुमसे ये कहूं कि रजा शादीशुदा है तुम क्या करोगे? What? ये कैसा मजाक है उजाला? मैं उस लड़की को जानती हूं जिससे रजा ने निकाह किया था और फिर कभी पलट के नहीं देखा। कौन है वो लड़की? कौन है, कहाँ है? तुम कैसे जानती हो उसे? कहाँ रहती है? तुम मुझे लेके चलो उसके पास इस वक्त। अरे अब ये बात तो सुन लो, और तुम उस लड़की से मिलकर भी क्या करोगे? मैं निकाह करूंगी मैं उसे, मैं निकाह करूंगी मैं उसे। चलो उसने मुझे कैसे धोखा दिया? वो ऐसा कैसे कर सकता था मेरे साथ? उजाला कैसे? तुम्हारी मंगनी का क्या होगा? बाहर में गई है मंगनी, ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया था उसने ये सब कुछ। मैंने उसे पहले दिन समझा दिया था, झूठ और धोखे से मुझे नफरत है, नफरत है मुझे, नफरत है मुझे। उजाला तुम्हें कसम है मैं उस लड़की से अभी और इसी वक्त मिलना चाहती हूँ, मुझे प्लीज उसके पास लेके चलो। उजाला प्लीज लेके चलो। तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि जिस बदनसीब लड़की से रजा ने निकाह किया था वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। उस दिन मैं मंगनी पे से इसलिए चली गई थी
क्योंकि मैंने रजा के साथ इम्तियाज खालू को देख लिया था। जिस इंसान से तुम मोहब्बत करती हो, जिसे तुम रजा कहती हो, वही मेरे लिए मोहसिन है। उसका मुकम्मल नाम मोहसिन रजा, और मैं और तुम, हम दोनों एक ही इंसान से मोहब्बत करते हैं। बड़ा झूठ है, और मेरे घर वाले इतना अरसा उस पे अंधा एतमाद करते रहे और इसने हमें पागल बनाया। इसे उसके किए की सजा जरूर दूंगी मैं, देखना तो मैं उसे नहीं बख्शूंगी, दूंगी मैं उसे उसके किए की सजा। अरे आपको संभालू कैसे, संभालू मैं खुद को जाना कैसे संभालू, धोखा दिया है उसने मुझे, मुझे हर्ट किया है, मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया उसने। दूसरी लड़कियों की तरह बेवकूफ नहीं हूं, मैं उसे नहीं बख्शूंगी, मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी। मुझे बताओ क्यों किया उसने ऐसा, उजाला मेरे साथ उसने क्यों किया, मुझे माफ कर दो फारूक, मैं नहीं चाहती थी कि तुमने जो ख्वाब देखे थे वो इस तरह। अगर तुम्हें ये सब जानने के बाद भी उससे रिश्ता रखना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है उजाला, तुम मुझे इतना गिरा पड़ा हुआ समझती हो कि मैं एक शादीशुदा शख्स के साथ किसी भी किस्म का रिश्ता रखना चाहूंगी? मेरा ख्याल है कि जिस रिश्ते में तुम उसके साथ बंधी हुई हो, तुम्हें उससे हरगिज मुंह नहीं फेरना चाहिए। मैं तुम्हें सब इसलिए नहीं बता रही कि मैं उसे अपना हक चाहती हूँ। अगर तुम इस रिश्ते से इनकार भी कर दो तभी वो कोई और फारिया ढूंढ के ले आएगा, अगर सच में वो इंसान इतना घटिया है तो तुम भी उसे छोड़ दो ना, हम दोनों मिलके उसे छोड़ नहीं कर सकती फारिया, और तुम भी प्लीज रजा समेत पूरा सच किसी को मत बताना। लेकिन क्यों जाला? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी जज्बाती फैसला मेरी माँ पर असर अंदाज हो, और खुदा खास्ता मैं उन्हें खो दूँ। उजाला तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारी मरियम खाला वो इस दुनिया में नहीं रही, शाबाश, सब उठा लो बर्तन और अभी धोकर रख देना। अच्छा सुबह सुबह नाश्ता, चेहरे पे मुस्कुराहट, बहुत खुश नजर आ रही हो अम्मा, लगता है कादिर आया था। खुश तो मैं बहुत हूँ बेटा, लेकिन कादिर के आने की वजह से नहीं, तुम्हारे लिए रिश्ता तय हो जाने की वजह से। अम्मा उजाला मिल गई क्या? तौबा है, वो लड़की तो तुम्हारे दिमाग पे ना लसूड़े की तरह चिपक कर रह गई है। जान छोड़ दो उसकी बेटा, नहीं मिलने वाली वो तुम्हें।
लेकिन अब जो लड़की मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है ना, रोशनी नाम है उसका, बहुत हसीन और जमील है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। नहीं चाहिए माँ मुझे वो तुम्हारा चांद का टुकड़ा, मेरे लिए तो पूरा चांद है मेरी उजाला, बल्कि बल्कि चौधरी का चांद है वो। रोशनी अपने पास रखो अम्मा उस रोशनी को। देखो बेटा अब तुम ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ, क्यों मुझे मेरी तन्हाइयों का शिकार करके मुझे मारना चाहते हो? एक तो मैं तुम्हारे ड्रामों से तंग आ गई, पहले तुम्हें हर दूसरी लड़की पसंद आ जाती थी और अब एक ही पर सुई अटक कर रह गई है, आगे बढ़ी नहीं रही। अम्मा तुमने सुना नहीं, मोहब्बत एक ही बार होती है और वो तेरे कदीर को हो गई। अब इस दिल में ना, इस दिल में उजाला के सिवा कोई और आ नहीं सकता। बेटा मैं रोशनी के घर वालों को क्या जवाब दूँ? अम्मा ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारा मसला है, और अगर वो लोग ज्यादा तड़तड़ करें ना तो उनको कह देना एक बार मैं उजाला से शादी कर लूं, फिर उसके बाद उनकी बेटी से भी कर लूं। नहीं पास आएगा ये, नहीं सुनेगा मेरी बात। अस्मा जाओ बाहर जाकर मेहमानों से कह दो ये शादी आज ही होगी। अर्जुमन मेरे मोहसिन की दुल्हन बनेगी। जाले वैसे देखा जाए तो बुरा तुम दोनों के साथ ही हुआ, लेकिन मैं जहाँ तक फारे को समझ पाई हूँ वो तो कुछ दिन में बहल जाएगी। लेकिन तुमने क्या सोचा है उजाला? मैंने क्या सोचना, काश अम्मी ने मेरा नाम उसके नाम के साथ ना जोड़ा होता। बचपन से इतनी बार उसका नाम अपने नाम के साथ सुना है कि अब मैं अपने दिल को जितनी भी मर्तबा समझा लूं वो नहीं मानता। ये आलम शौक का देखा ना जाए, एक वो है मौसूफ जो तुम्हें किसी खातिर में नहीं लाते और तुम हो के उन्हें लगता है कि उन्होंने ये रिश्ता हमदर्दी के लिए जोड़ा, लेकिन मैं भी बगैर किसी वजह के उन्हें रिश्ता तोड़ने नहीं दूंगी। उजाला आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें रिश्ता रखना भी है और अपनी हकीकत भी नहीं बतानी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि मैं जो अर्जुमन बनकर उनसे मिली हूँ कहीं उसे भी ना खोऊं।
ऐसा पर्दा किए बैठे हो।